सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बैगर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। बस ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक मोटो व्लॉग है। काफ़ी दिनों से जो है मेरे चैनल पे मोटो व्लॉग तो नहीं आया है, वीडियो ही आ रहा था। तो काफ़ी दिनों बाद आपका स्वागत है मोटो व्लॉग में। वैसे मैं जा रहा हूँ एक काफ़ी बेहतरीन सनसेट पॉइंट पे, मतलब मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो है कोटा वाला हाईवे, जयपुर कोटा, इधर से हम जा रहे हैं। टोंक अभी पीछे निकल गया है, वहाँ से मैंने मोटो व्लॉग शुरू नहीं किया। तो इधर से हम कोटा जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या रास्ता है, क्या जगह है। आप भी आ सकते हो, बिल्कुल आना चाहो तो। इनसे बच के रहो भैया, इनसे बच के रहना चाहिए। गाय वाय जो है, गाय का जो पूरा ध्यान रखो। गाय कुत्ते जो है दौड़ते रहते हैं रोड पर, खासतौर पे हाईवे पे जो है पता नहीं चलता है। और भैया रात को तो और बुरा सीन हो जाता है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टोल गेट। बाइक पे जाने का फ़ायदा यही है कि टोल नहीं लगता। ये टोल जो है लगभग जो टोंक से है, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है टोंक से ये। और लगभग यहीं से थोड़े 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारी जो जहाँ जा रहे हैं वो जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये जो है टोडा राइसिंग जाने वाला रास्ता है, मतलब छान पहुंच के जो है कट आता है ना, जो छान पहुंचने के बाद वहीं से हमें राइट लेना है। मैं एक्शन कैमरा ऑन करना भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं। छान का जो कट है ना, वहां से अपने को राइट लेना है और ये रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बस हम पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो ये 37A हाईवे को छोड़ के हम जो नीचे उतर चुके हैं, ये ब्रिज है ना, उससे पहले हमें लेफ्ट ले लेना है। और बड़ा ही सुंदर सा ये, मतलब घना है, पेड़ वेड़ बहुत है यहाँ पे। मंदिर है सामने, भी मंदिर है इधर, भी मंदिर है। कितने बंदे आज पे, आज मंदिर कैसे बन रहा। तो पहुँच चुके हैं हम लोकेशन पे, और कितनी ही प्यारी ये लोकेशन है। ये मंदिर है, मंदिर के इधर हम आ गए हैं, ये नया कुछ बन रहा है। तो परमिशन लेके हम आ चुके हैं यहाँ छत पे, और छत से कितना ही सुंदर नज़ारा है। ये जो है बनास रिवर है, और काफ़ी सुंदर ही लग रही है। पंछी जो है उड़ रहे हैं यहाँ पे, मस्त लग रहा है। ये व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो इस सुंदर सी जगह से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है, मतलब मैं अभी निकलने वाला हूँ यहाँ से। एक बार लोकेशन एक बार ढंग से देख लो आप, कितनी प्यारी है। ये मंदिर है, और उस ब्रिज का जो रिफ्लेक्शन है ना नीचे, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और वहाँ के जो है ईंट के बट्टे हैं बहुत सारे। और यहाँ हो रहा है हमारा सनसेट। ये भी जो है एक मंदिर है, बड़ा प्यारा नेचर जो है ना, कितना खूबसूरत लगता है, मतलब मज़ा आ गया इसको देखने में। वहाँ आगे भी जो है एक शिव टेम्पल है, वहाँ पर जो है एक शिव मंदिर है, ये एक मंदिर है। सो सूरज का जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे आ रहा है नीचे, और जैसे जैसे नीचे होएगा ना ये, तो और खूबसूरत लगेगा। लेकिन फिर घर जाते टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी टाइम पे निकल जाते हैं, टाइम पे पहुँच जाएंगे, उजाले उजाले में, अंधेरा नहीं होगा। तो निकलते हैं इस प्यारी सी जगह से। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो रास्ता आपको पता ही है, टोंक से छान आना है। छान से जो है राइट कट है, और पुलिया के पास ही, जैसे जो ये पुलिया देख रहे हो आप, इसके पास ही जो है आपको दिख जाएगा। ये जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हरी भरी, और काफ़ी पक्षी भी हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो हैं काफ़ी सारे पक्षी भी हैं, बहुत सारे हैं। इसमें दिख नहीं रहे अंधेरे की वजह से। बाकी यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पैरट हैं, वहाँ एकदम पैरट ही पैरट बैठे हुए हैं, ग्रीन 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 पैरट, ग्रीन हरे भरे इलाके में जो है हरा भरा दिखता भी नहीं पैरट। तोते बहुत सारे हैं यहाँ पर, देखो एक तो वो बैठा हुआ है, दिख रहा हो अगर तो, आप देख पा रहे हो अगर तो, वो वहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे हैं उधर।
वहाँ भी ये गया उड़ के, वो ग्रह तो काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पैरट हैं। एक्शन कैमरे में जो है थोड़ा ठीक नहीं आ पा रहा, और क्या है सूरज भी उधर की तरफ है तो ठीक से आ नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।